सो टुडे वी विल बी स्टडिंग द कंट्रोल प्रोसेस एंड द केस स्टडीज़ रिलेटेड विद द एयर पोल्यूशन देखिए जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं वन इज़ इंडस्ट्रीज़ एंड सेकेंड इज़ वहीकल्स तो यदि हम इंडस्ट्रीज़ में देखें तो दो बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रोल मेकानिज़म्स यूज़ किए जाते हैं वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स एंड अनदर इज स्क्रबर्स तो जो एयर पोल्यूटेंट रिलीज फ्राम इंडस्ट्रीज मस्ट बी सेपरेटेड और फिल्टर्ड बिफोर रिलीजिंग दीज गैसेज इन टू द इन्वायरमेंट सो वी यूज टू कॉमन मैथड्स फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स अब ये इलेक्ट्रोप्रस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं क्या बेसिकली आप सीधे शब्दों में समझें तो एक सिंपल पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट हाफ़ इसका रहता है उसमें हम कुछ इलेक्ट्रोड्स रखते हैं और ये ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको हाई वोल्टेज पर गर्म करते हैं जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करना चालू करते हैं तो जैसे ही जो एयर या जो इंडस्ट्रीज़ से वेस्ट एयर निकल रही है जिसमें कुछ गैसेस या कंपाउंड्स हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनसे यह इलेक्ट्रॉन चिपक जाते हैं तो वो पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे सेकेंड हाफ़ के अंदर जो आगे की तरफ जो एमिशन हाफ होगा वहाँ पर हम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स को लगा देंगे तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल के साथ चिपक जाएंगे देखिए जैसा हमने कहा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको हमने हाई वोल्टेज पर गर्म किया जिसकी वजह से इन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जब हमने एयर को यहाँ से गुजारा तो इस एयर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे उनके साथ ये इलेक्ट्रॉन चिपक गए ये यहाँ पर इसके साथ चिपक गए और ये फिर हमने जो ब्लैक कलर में यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स लगा रखी हैं सो दीज नेगेटिवली चार्ज मटेरियल विल गेट अटैच टू दीज प्लेट्स तो इसी तरह से यहाँ पर हो रहा है द डर्टी एयर विच इज कमिंग हेयर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें और ये यहाँ पर जो है द डर्टी एयर कम्स हेयर तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज वायर्स हैं जो यहाँ आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रहे हैं ये इस तरह से तो नेगेटिवली चार्ज वायर्स हैं जिनको हमने गर्म किया तो दे डिस्चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम डिस्चार्ज कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं ब्लैक कलर की जो लाइन्स हैं उनसे यह चिपक जाएंगे और क्लीन एयर बाहर आ जाएगी सो दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स क्लींस द एयर एंड रिमूव्स द पर्टिकुलेट मैथड तो अलग अलग फैक्ट्रीज में आपने इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बाहर की तरफ लगे हुए ज़रूर देखे होंगे दिस इज अ स्क्रबर स्क्रबर के अंदर हम या तो पानी या कैल्शियम ऑक्साइड का ऊपर से छिड़काव करते हैं जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ऊपर से वाइट वाइट जो आ रहा है यह स्प्रे है यहाँ पर तो ये वाटर या लाइम वाटर का स्प्रे किया जाएगा और नीचे से जो एयर जा रही है ऊपर की तरफ उसमें अगर सल्फर कंपाउंड्स हैं तो वो सल्फ़र कंपाउंड्स जो हैं पानी के साथ रिएक्ट करके नीचे बैठ जाएंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड या कैल्शियम के सल्फ़र कंपाउंड्स बन जाएंगे जो नीचे की तरफ आ जाते हैं इस तरह से वेट स्क्रबर्स जो हैं ये इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए रहते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो है वो एक तरह से आप यूँ सीधे शब्दों में समझें तो धूल है जो हवा में उड़ती रहती है लेकिन ग्रेविटी के हिसाब से कुछ समय बाद वह नीचे सेटल होती चली जाती है अकॉर्डिंग टू सी पी सी बी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर्टिकुलेट साइज ऑफ 2.5 पॉइंट फाइव माइक्रॉन और लेस इज़ वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमंस क्योंकि यह हमारे नाक और ट्रैकिया के फिल्टरेशन सिस्टम को क्रॉस कर जाती है और एल्वियोलाई ब्रोंकियोल्स में आकर जमने लग जाती हैं इसकी वजह से लंग्स में ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो चालू होगी इरिटेशन इन्फ्लेमेशन यानी जलन डैमेज टू द लंग्स एंड प्री डेथ में आकर सेकेंड जो सोर्स है वह है व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया अब इसको अगर हमें ध्यान रखना है कंट्रोल करना है तो व्हाट शुड बी द मेजर्स प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स अलॉन्ग विद द यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूज़ द पल्यूटेंट एमिट गाड़ियों में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर प्लेटिनम पैलेडियम रोडियम इस तरह की मेटल्स होती हैं जो अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स और पॉइजनस गैसेस को जो है बाहर निकलने से रोकती है अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच टू ओ जो हट जाएगा सी ओ एन ओ टू एन ओ थ्री आर कन्वर्टेड टू सी ओ टू एंड एन टू तो इस तरह से जो कन्वर्टर्स हैं वह नॉर्मल गैसे जो एटमोसफियर में हैं वो उस तरह की गैसेज में बदल कर हमारे जो हार्मफुल गैसेज हैं उसको कन्वर्ट कर देती है लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि अनलीडेड पेट्रोल यानी लेड फ्री पेट्रोल शुड बी यूज बिकॉज लेड कैन डैमेज इन एक्टिवेट दीज कैटालस्ट विच आर मेड अप ऑफ पेलेडियम रोडियम एंड प्लेटिनम यू माइट हैव सीन दीज आर द कैटलिटिक कन्वर्टर्स जो हर टू व्हीलर फोर व्हीलर में लगे हुए रहते हैं आपने इसको ये तो ओपन स्ट्रक्चर्स हैं कैटेलेटिक कन्वर्टर के ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है जो आपने कई गाड़ियों के नीचे देखा होगा तो जो भी एयर यहाँ से आ रही है एग्जॉस्ट से वो इस कन्वर्टर से होकर गुजरेगी और फिर ये एग्ज़ास्ट है तो जो व्हीकल से रिलेटेड एयर पोल्यूशन है उसकी केस स्टडी नॉर्मली अपन स्टडी करते हैं 1990 में दिल्ली वॉज रैंक्ड फोर्थ अमंग 41 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ जो वर्ल्ड वाइड एक लिस्ट बनी तो उसमें ये पता पड़ा दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली दैट इज़ स्टैंडिंग फोर्थ अमंग द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टडीज़ के बाद कुछ गाइडलाइंस जारी करी क्या गाइडलाइंस थी वो उन्होंने कहा कि ऑल बसेस टू बी कन्वर्टेड टू सी एन जी बाय द एंड ऑफ टू थाउजेंड टू दो हज़ार दो तक सभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दिल्ली का उसमें कंप्रेस नेचुरल गैस लगाई जाए क्यों लगाई जाए क्योंकि सी एन जी बर्न्स वेरी एफिशेंटली और इसका कोई लेफ्ट ओवर बर्न भी नहीं रहता इस तरह से जो है इसमें पोल्यूशन की संभावनाएं लगभग ख़त्म हो जाएगी एंड देन जो सी है वो पेट्रोल और डीजल से काफ़ी सस्ती होती है एंड बीइंग अ गैस इट कैन नॉट बी साइफंड ऑफ बाय थीव्स इसको कोई चोरी नहीं कर सकता इसमें मिलावट नहीं की जा सकती साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे पुराने व्हीकल्स हैं उनको हमें धीरे धीरे करके हटाना है जैसे आप नॉर्मली जानते होंगे पंद्रह साल से पुराना कोई व्हीकल है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता आजकल यानी उस गाड़ी को हमें हटाना ही पड़ता है इसी तरह से अनलीडेड पेट्रोल का यूज़ होना है और जो पेट्रोल और डीजल हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर सल्फर का कंटेंट जो है वो एक लेवल तक मिनिमाइज़ किया जाना है हर गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर लगने हैं दीज वर द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू कंट्रोल द पोल्यूशन और इस वजह से गाड़ियों में कुछ स्टैंडर्ड इंजन्स को जो है वो लगाया गया जिनको हम यूरो Euro, जो यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स थे उसकी वजह से यूरो वन यूरो टू यूरो थ्री कहते हैं लेकिन अब ये जो डाटा है ये धीरे धीरे वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बाद हम चेंज करते गए और प्रेजेंटली अभी जो सारी गाड़ियाँ हैं वो यूरो सिक्स स्टैंडर्ड की आ रही हैं तो जो इसके अंदर था कि भाई कहाँ कौन से समय पर कौन सी चीज़ लगानी है ये जैसे टेबल में दिया हुआ है कि कब कब किन किन सिटीज़ के अंदर हमने कौन कौन से स्टैंडर्ड्स की गाड़ियाँ जो हैं वह आ, उसकी परमिशन दी गई बट प्रेजेंटली वी ऑल आर हैविंग जो भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं 2018 के बाद से वो सब यूरोसिक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से है और इस कारण से जो एयर पोल्यूशन की क्वालिटी है वो हमने एयर क्वालिटी में काफ़ी सुधार किया है एक और जो दुखद केस स्टडी नॉर्मली एयर पोल्यूशन के साथ जोड़ी जाती है वह है भोपाल गैस ट्रेजडी एंड इट अकर्ड ऑन द नाइट ऑफ थर्ड दिसंबर 1984। और जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर एक फैक्ट्री थी जो पेस्टिसाइड्स बनाती थी यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन उससे एक पॉइजनस गैस दैट इज़ मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई दिस वाज़ द फैक्ट्री वेन्यू और ये गैस जो है वो जैसे ही फैली रात को एक बजे करीब अधिकतर लोग सो रहे थे और इस वजह से ये टॉक्सिक गैस के फैलने से 2000 लोग इमीडिएटली मर गए मोर देन थ्री लैक्स व सम हाउ अफेक्टेड वेरी बैडली and सेवन थाउजेंड एनिमल्स वर ऑल्सो किल्ड दिस वॉज द अफेक्टेड एरिया हवा जिस तरह बह रही थी उस तरह फैक्ट्री से वो गैस बही और uh, the very painful pictures are on uh, internet you can find them तो इस तरह से जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट या एम जो गैस है उसके वजह से इस तरह की स्थिति हमारे देश में हुई थी

जो साउंड है जेट प्लेन्स से निकलता है उसकी वजह से हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं और सोर्सेज़ क्या है स्ट्रीट ट्रैफिक है रेल रोड्स हैं एरोप्लेन्स हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है सो द नॉर्मल जो हमारी बातचीत होती है वो सिक्सटी डेसीबल है और 80 डेसिबल तक हमारा टॉलरेंस लेवल होता है 80 डेसिबल के ऊपर यदि कोई भी साउंड जाती है तो दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ पोल्यूशन और इसका सबसे ज़्यादा असर कानों पर होगा आपने पढ़ा होगा हमारा जो इंटरनल ईयर है कॉकलिया उसमें लगभग ढाई लाख के करीब हेयर सेल्स होते हैं एंड हाई वेलोसिटी ऑफ साउंड रिजल्ट्स एंड देयर डैमेज और उसकी वजह से जो है ये सेल नष्ट होने लगेंगे हमें सुनने में प्रॉब्लम आएगी बिसाइड दिस अदर अफेक्ट्स आर ऑल्सो देयर सच एज स्लीपलेसनेस इंक्रीज हार्ट बीट ब्रीदिंग प्रॉब्लम में डेवलप हो जाना और लगातार ये रहे तो हियरिंग लॉस जैसी चीज़ें जो है वो देखी जा सकती है और कई एनिमल्स के जो उनका जो नॉर्मल साइकिल है लाइफ साइकिल का पैटर्न उसमें भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं माइग्रेटरी पाथ डिस्टर्ब होते हैं इंडस्ट्रीज कैन यूज एब्ज़ॉर्बेंट हम क्या कैसे बच सकते हैं नॉइज पोल्यूशन से तो इंडस्ट्री जहाँ से ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है वो मफिंग के लिए कुछ ऐसे एडज़ॉर्बेंट जैसे आपने पिक्चर हॉल में देखा होगा जो दीवारें होती हैं उनमें छेद छेद वाले वो गत्ते के पैनल्स लगे हुए रहते हैं तो वो साउंड का एक् को रोकते हैं स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स के चारों तरफ हॉर्न फ्री जोन बनाए जाएँ परमिसेबल लिमिट्स होनी चाहिए क्रैकर्स की उसके टाइमिंग लिमिट्स भी रहनी चाहिए कि भाई जैसे वह आप जानते हैं कि रात को दस बजे के बाद डीजे और इन सब चीज़ों को बंद किया जाता है सो देर आर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आल्सो कानून भी बने हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के एम इंटू फोर्स इन नाइनटीन एटी वन और नाइनटीन एटी सेवन में उसमें जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको भी ऐड किया गया सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एयर पोल्यूशन आप इसको स्टडी करें और